वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायज़ा इजलास हुआ। दरसी कुतुब की फराहमी में ताख़ीर काबिले कबूल नहीं है। मरियम नवाज़ ने इस इजलास में ये कहा है। मज़ीद इजलास का हवाला जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स के हवाले से इजलास हुआ है और इजलास में जो है वो 41% दसवीं कुतुब की फराहमी मुकम्मल मई तक तमाम स्कूलों में किताबें मुहैया करने के हवाले से दावा किया गया महकमा तलीम का, जबकि ब्रीफिंग में बताया गया कि आइंदा तालीमी साल फरवरी में दसवीं कुतुब फराहम कर दी जाएंगी। हर जिला में सीओस एजुकेशन की तैनाती के लिए नया मैकेनिज्म जो है वो बनाया जा रहा है। टेस्ट, इंटरव्यूज, कंप्यूटर एजुकेशन के इम्तहान के बाद सिलेक्शन होगी और लम्स से ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी टीचर्स की। सीईओ, डीईओज और डीडीओज की सिलेक्शन का जामिया तरीकाकार पर अमल दरामद की हिदायत की है वज़ीर आला पंजाब ने। वज़ीर आला पंजाब ने यह कहा कि सरकारी स्कूल्स में स्पेशल बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम की जाएँ। हर जिला की एक स्कूल में स्पेशल बच्चों के लिए तालीम और तदरीस की सहूलत भी मुहैया की जाए। सरकारी स्कूल्स में करेक्टर बिल्डिंग क्लासेस का भी आगाज किया जाए, जबकि पंजाब स्कूल जो वो इसी तरह से स्टैंडर्डाइज्ड मैट्रिक एग्जाम्स के हवाले से बोर्ड बनाने की भी तजवीज सामने आई है। स्कूल एजुकेशन के तमाम मामलात सेंट्रल बॉडी के जरिए चलाने की तजवीज का जायजा लिया गया है। मुजव्वजा अथॉरिटी पंजाब एजुकेशन टीचर एंड ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन थे, अपडेट कर रहे थे।